बचपन की याद दिखाऊं आपको, ये देखो क्या कर रहे हैं यार, चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ओ बाहुबली आता है ऐसे है, ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और फिट एंड फाइन होंगे, और आप सब छोटे बड़ों ने मुझे दुआ में याद रखा होगा, और सब अशके होंगे। क्या मैं भी अशके हूँ। आज कहाँ जा रहा हूँ? आज मैं जा रहा हूँ बहुत स्पेशल काम, आज घर का काम है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ देसी घी के आटे वाले बिस्किट बनवाने जा रहा हूँ, उसके लिए कल मैं पता कराया था। तो अभी अपने चलते हैं, बस दो मिनट के अंदर बस आपसे दो बातें कर लूँ। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, और जो मज़ेदार वीडियोस जो मेरे चैनल पर आती हैं उनको प्लीज़ शेयर करें, मेरी सपोर्ट करें। और अगर आज थोड़ी बहुत क्वालिटी का इधर उधर हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि आज मैं जो है सिर्फ मोबाइल से ही बना रहा हूं, तो मौसम भी बाहर बहुत बढ़िया है। तो चलते हैं अपने आटे वाले बिस्किट बनवाने। फाउंटेन अपना, जिन्होंने मेरे फाउंटेन और पाउंड वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाके वो भी देख लें, पहले ये वीडियो पूरी देख लेना फिर वो वाली देखना, उसमें मैंने बताया ये कितने में मैंने जो है ना इसको तैयार किया है, फाउंटेन और पाउंड मैंने कितने में तैयार किया है वो मैंने उस वीडियो में बता रखा, और वो वीडियो पूरी देखना और शेयर भी कर देना। तो आटे वाले बिस्किट बनाने लेके जा रहा हूँ आज मैं, आज ना मैं तेरे लिए आटे वाले बिस्किट बनाने लेके जा रहा हूँ। देखो सामान रख लिया, इस ढोलकी में घी है, आटा है और चीनी है, सब कुछ है। मस्त है भाई, कह रहा है मस्त लग रहे हो, शेयर कर देना जब वीडियो आएगी। क्या बोल रहा है? हवा आ रही है। कोरोना के कारण आगे जो है ना गली बंद है, वापस जाना पड़ेगा दूसरे रास्ते से, बंद है भाई सारा आगे। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं नहीं रहने तो मैं इधर से निकल जूँगा भाई, कोरोना के कारण सारा बंद है, इधर से निकलते हैं। इस गली में जो है ना दो पॉजिटिव केस आए हैं, तो अपने इस तरफ से निकल जाते हैं। चलो अब आपको मैं शॉप पर ही मिलता हूँ। बचपन की याद दिखाऊँ आपको, ये देखो ये काजू वाले बिस्किट, काजू वाले बिस्किट कमेंट सेक्शन में बताना किस किस के फेवरेट है। तोल दिए क्या आपने? ये देखो ये जो है इस तरफ मैं इन्हीं की बेकरी से जो है ना चेरी वाले बिस्किट जो है ना रेडी करवा रहा हूँ, ये आपको मैं टेस्ट के लिए ले रहा हूँ, आपको ये प्रेफर करूँगा अभी आप मैदे की बनवाओ, कभी कभी तो मैदा खा सकते हो, चीटिंग कर सकते हैं भैया। बोलो सब्सक्राइब कर ले चैनल अपना, बोल दो चैनल सब्सक्राइब करो। हाँ ठीक भैया, बोलो यार क्या कर रहे हैं यार, क्या चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि आने वाली मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जल्दी अपनी बुलेट बाइक भी आ जाएगी, या फिर R151 यामा, और एक गाड़ी मैंने दिल्ली से पता की, अब चारों पाँचों में से कोई एक गाड़ी लेंगे अपने, या जीप भी ले सकते हैं, कन्फ्यूजन है भाई, जब तक वो दूर नहीं होती तब तक आती नहीं, पर जल्दी आने के बाद अपने चलेंगे लंबी राइड पर। पीछे जो है भैया उन्हें बना रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो जो है देसी बिस्किट होते हैं जो वो बना रहे हैं अपने। अब आज सबसे बड़ी बात ये है, ये जो बिस्किट होते हैं ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मैदा इसमें बिल्कुल नहीं होता। सॉरी हाथ आ गया था कैमरे के आगे, तो यार मुझे उसके लिए सॉरी फील करता हूँ आपसे। तो बहुत बढ़िया बिस्किट होते हैं खाने में, स्वादिष्ट आटे वाले बिस्किट कहते हैं। आटे वाले वैसे असली में बिस्किट यही होते हैं, क्योंकि दूसरे बिस्किट में ये कहते हैं मैदा यूज़ कर देते हैं, तो ये बिस्किट अपने स्पेशल बनाने आ रहे हैं। और ये देखो वहाँ से तैयार होने के बाद ये यहाँ से निकालेंगे, और मैं कहता हूँ भी ऑसम टेस्ट है। वैसे ये मैदे वाले अपने आटे वाले होंगे, उसके बाद इधर बेक करेंगे। एक ट्रे में भैया कितनी आ जाती हैं? किसी में 20 आ जाता है, किसी में 22 आ जाता है। 20 ठीक है। और ये मैदे और आटे का फ़र्क होता है क्या? उतने में ही आ जाते हैं, मतलब अरे खाने वास्ते आटा सही है, आटा सही है। ये भैया कितनी टाइम बाद अंदर इसमें? 10-12 मिनट में बेक हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यानी तो पहले तो दूसरी भट्टियाँ होती थी है ना,
ठीक है ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं, मैं बचपन में पहले मेरे नानी जी के साथ में जाता होता था, तो वो जो भट्टियाँ थी ना, वो दूसरी जिसको अपने आग वाली भट्टी कह देते हैं वो होती थी। ये आज जो है मॉडर्नाइजेशन हो गया और मॉडर्न ज़माने के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक जो है ना भट्टी है ये। तो देखो अंदर बेक तो हो रहे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, अंदर बिस्किट बन रहे हैं अपने, इसके बाद में बनेंगे। मेरा मानना है तीन वाइट चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, चीनी, वाइट नमक और मैदा, तीनों जो है ना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, पेट की जो है ना सिस्टम आउट कर देते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन रहती है और बहुत सारी बीमारियाँ होती है। अगर आप चीनी कम करोगे तो वैसे ही 1.5 से 2-3 किलो वज़न आपका जो है ना बॉडी का उठ जाएगा, और मैदे को कम करोगे तो पेट जो है ना आपका जो फुलावट रहती है पेट में वो ठीक हो जाएगी। मोटा आटा जो है आप खाओ, इसीलिए मैं आटे के बिस्किट बनाने आया हूँ। और नमक जो है ना सेंधा नमक यूज़ करना चाहिए, तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो है ये आज ये वाला स्टेप लिया, नहीं तो मैं भी क्या करता था, शॉप से लिया और मैदे वाले बिस्किट खाने शुरू कर दिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो चाय के साथ में जो है ना बिस्किट खाना पसंद करते हैं। बिस्किट बनने शुरू हुए हैं, मैदे वाले का कलर देखो अलग होता है और ये आटे वाले का अलग है। पता नहीं किसके हैं, मुझे मुझे लगी है, खा रहा हूँ बिस्कुट खा रहा हूँ। इधर नमकीन वाले हैं, ये देखो गरम गरम है, भैया बहुत गर्म है यार, ये तो गरम बहुत है, गरम निकला तो गरम सही है। कुछ बता रहे हैं अपने को। हाँ जी भैया, कितने साल हो गए आपको इसमें? हो गया मेरे को 30-35 साल। 30-35 साल गंगानगर? गंगानगर में तो मैं 12 साल का था जब मैं आया। वाह विवाह, देखो हमारे गंगानगर में 12 साल, गंगानगर इतना छोटा सा अब कितना हो गया? अब तो बहुत बड़ा हो गया, गंगानगर बहुत बड़ा हो गया, इसलिए भाई जो गंगानगर को छोटा समझते हैं छोटा मत समझो, बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि भैया भी बड़े हो गए 12 साल के। जब गंगानगर छोटा था भैया भी छोटे थे, अब भैया कितने साल के हो गए? 48 साल के। बस उतना ही बड़ा जो हमारा गंगानगर हो गया। बता रहे हैं अभी गंगानगर से पटना तक, पटना ही है ना आपका, 35 रुपया जो है किराया था रेलगाड़ी का, और कोयले वाला इंजन चलता था ना भैया, और इनकी जो सैलरी थी कितनी थी? 30 रुपीज़। तो भैया मैनेज कैसे करते थे? 30 और 35 में से 5 रुपये कम हो गए तो वो कैसे करते थे? देखो क्या जमाना था, पहले उस टाइम तनख्वाह 30 रुपये होती थी, किराए भी उतनी होते थे और इतनी दूर स्ट्रगल करते थे। अब आज तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, मोबाइल्स आ गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जैसे भाई हैं जो हमें सुनते हैं। बहुत बदल गए जी। बदल गया ना? बहुत बदल गया। भाई जितने होंगे उसके इससे छोटे थे, इससे भी छोटे थे। यहाँ से पहले फिर आप जाने का रास्ता पहले दिल्ली, उसके बाद पटना, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा गंगा जी के किनारे में। हाँ, और आपको भी बता दूं सबसे बड़ी बात, केले सिख नहीं गुरु गोविंद सिंह जी को मानते, पटना वाले जितने भी भाई जैसे हैं ना, ये हमसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और जब हम जैसे भाई वहाँ जाते हैं तो अपनी पलखों पर उठा लेते हैं हमें। ये जो भट्टी थी ना वो ये है, देखो यहाँ अंदर डाल के ना, अब तो बहुत खस्ती हालत हुई पड़ी है, तो इस तरीके से ये पुराने वाली भट्टी थी, ये अब बदलाव आ गया। बिस्किट हो गए रेडी, ये देखो अब जा रहे हैं अपने घर पर, और ऊपर मौसम जो है ना देखो, आप बहुत सुहावना मौसम हुआ पड़ा है। देखो पापा क्या लेके आए हैं। इट्स लंच टाइम ब्रो। क्या कह रहे हो, बिस्किट नहीं दिखाई? खाना खाने के बाद जब चाय का टाइम होगा तब आपको बिस्किट जो है बताऊंगा उसका टेस्ट कैसा है। बाकी फिलहाल इसका बता देता हूँ, बहुत बढ़िया टेस्ट है। ये हमारा बाहुबली मन, कैसे करता बाहुबली? हमारा ओ बाहुबली ऐसे करता, ऐसे तो नहीं करता बाहुबली, राजा ऐसे आता बाहुबली? हाँ ओ बाहुबली आता ऐसे है, ठीक है। तो बच्चे होते हैं, बच्चे कहते हैं हम बाहुबली हैं, जो जो चीज़ देखते हैं जो है उसका असर बच्चों पर पड़ता है, तो ही इज परफॉर्मिंग लाइक बाहुबली। पूरी नंबर वन बॉडी है और नंबर वन बॉडी और नंबर वन बॉडी है भाई हमारे मन की। अरे पापा को क्या नहीं पता? कुछ नहीं पता। अच्छा मेरे को कुछ भी नहीं पता ना। आप बोलना या तू नहीं बोलना? नहीं बोलना। ठीक, मैंने किसी बात में जो है ना ऐसे बोल दिया, तू ऐसे मत कर,
तो कहता तू नहीं बोलना आप बोलना है। Two hours later. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दो ढाई घंटे नींद पूरी की पहले और अब जाके जो है ना माइंड रिलैक्स हुआ है, बॉडी जो है ना थकी थकी सी थी, अब ऐसे बिल्कुल एक्टिवनेस आ गई है। उठकर ही पीएम साहब को उठाया, मैं जाओ चाय बना के लाओ बढ़िया सी, क्योंकि चाय के बिना तो जो है बिस्किट का टेस्ट कैसे बताऊँगा। तो मैडम कहते भी अभी जाती हूँ मैं, पीएम का मतलब पीएम अपने प्रिय मैडम, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी नहीं तो अगर देखी है तो उसमें आपको मैं बता दूंगा। बैक से व्यू कैसे आ रहा है बताओ, ये भी होगी तैयार, बोल तो लो यार, अगर सामने नहीं आना तो ठीक है यार, बोलो तो सही, बोलो, अरे बोलो तो सही यार, ऐसे मत करो यार, मैं फिर दिखा दूंगा, बोलो बोलो, चाय तैयार है कि नहीं। ये आटे वाले बिस्किट देसी घी के, क्रंची क्रंची है बहुत ज्यादा, बिस्किट के बिना चाय का कोई मतलब नहीं है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना। और एक मैं लेके आया हूँ ये चेरी वाले जो बचपन में खाते थे ना अपने वो, और आगे मैं लेके आऊंगा काजू वाले जो आपको दिखाए भी है, काजू नहीं काजू की फॉर्म में होते हैं जो बिस्किट नमकीन, वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें चेरी का और थोड़ा बहुत शायद इसमें एसेंस डाला हुआ है, अच्छा फ्लेवर है इसका भी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाली मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और मेरी वीडियोस जो है ना डेली व्लॉग्स के ऊपर होंगी और बढ़िया बढ़िया आपके साथ बातें करूंगा, बढ़िया बढ़िया नॉलेज दूंगा और आपका एंटरटेनमेंट करेंगे। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय और सत श्री अकाल।